बिहार के वैशाली से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर जमीन के एक विवाद को सुलझाने गए बिहार पुलिस के एक दारोगा की मौत हो गई। पूरा मामला राघोपुर दियारा के जुड़ावनपुर का है। यहाँ पर तैनात ASI सुबोध कुमार सिंह थाने के ठीक सामने दो पक्षों के बीच बवाल और हाथापाई को सुलझाने पहुंचे थे, लेकिन झगड़े के बीच दारोगा सुबोध कुमार को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। फिलहाल उनकी मौत से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें मृतक दारोगा सुबोध कुमार सिंह तोड़फोड़, झगड़े और बवाल के बीच दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा मामला एक पुलिस स्टेशन के सामने घटित हुआ। ऐसे में अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं हादसे में दारोगा की मौत के बाद मौके पर पहुंचे जिले के SP ने SHO से मामले की जानकारी ली। करीब करीब 40 आदमी से औरत और जेंट्स सब मिलके उसी के वही रास्ते से दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश किए और हम लोग को बाहर निकालने लगे, मारने पीटने लगे। सभी लोग को मारा गया है, जेंट्स लेडीज को भी। जेंट्स थाने के सामने ये मारपीट वगैरह हो रहा था, सब हो रहा था। जेंट्स लोग लेडीज लोग को मार रहे थे, बहुत मार पड़ा है सबको। तो अंतिम भैया गए हैं थाना पर, तो थाना पर से स्टाफ को बुला के लाए थे। थाना प्रभारी महोदय सब आए करीब करीब 1:15 बजे करीब। उसके बाद वही समझा रहे थे, तो उसी के बीच में कुछ लोग उनमें से उनका डपटा गया था, धकेला गया था, उसी के क्रम में उनको उसके बाद निकलने के बाद वो धक्का धुक्की उनके धक्का धुक्की। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार मिश्रा हुआ।